उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चौकस नजर आ रही है। पुलिस द्वारा अपराध को रोकने के लिए गश्त व नाकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह ने हरदोई के पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, इसको लेकर ग्रामीण इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। कानून व्यवस्था से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में 2018 व 2019 की लंबित मामलों को 31 दिसंबर तक निस्तारित करने के आदेश दिए गए। वहीं नगर क्षेत्र की समीक्षा में 2 माह में 492 लंबित विवेचना का निस्तारण किए जाने पर शहर कोतवाली के उप निरीक्षक सुभाष कुमार और कोतवाली देहात के उप निरीक्षक विनोद कुमार द्विवेदी को 2100 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि जमीनी विवाद के मामलों में कार्रवाई पर घटनाएं रोके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स, कपिल देव सिंह व जायसवाल आदि मौजूद रहे। किस परिपेक्ष में यहाँ आना हुआ है, क्या उद्देश्य था? देखिए, आज जनपद की जो है वो अपराधियों पर जो खेल कस्मे की कार्रवाइयाँ हुई हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं तथा विभिन्न महिला संबंधी अपराधों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ नगर सर्किल की भी हम ऑर्डरली रूम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम उनके तमाम तरह के जो उनके दायित्व हैं उसकी समीक्षा करेंगे। मैम, ठंड आ गई है, चोरी की घटनाएं जो है वारदातें बढ़ गई हैं, कैसे देखते हैं पुलिस हमला और किस तरह से क्या रणनीतियां तैयार की गई हैं शिकंजा कसने के लिए? देखिए, इसी में अभी हमने जो अलग से मीटिंग ली थी उसमें सभी क्षेत्राधिकारीगण को इसमें निर्देश दिए हैं। दो चीज़ें इसमें करनी है, एक तो हमारे पिछले जनपदों में पिछले वर्षों में विगत जो भी अपराध कारित हुए हों उनके जानवरों के बारे में वो शिनाख्त कर लें, उन पर हम लोग थोड़ी सी कार्रवाइयाँ कर लें कि उनकी एज ऑफ नाउ क्या लोकेशन है और उनकी क्या गतिविधियाँ हैं। दूसरा, इस समय में कतिपय ऐसे आपराधिक ट्राइब्स के गैंग भी चलते हैं जो इस मौसम में इस तरह की घटनाएं कारित करते हैं, तो उन पर प्रिवेंटिव मेजर्स चलाने, उनका उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए भी क्षेत्राधिकारी गणों को समीक्षा के लिए, बैठक करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। अन्य जनपदों से भी आने वाले, क्योंकि हम लोगों का बहुत ट्रांजिट रूट पड़ता है, इसलिए उसमें भी हमने कहा है कि एसपी साहब एक बार अन्य जनपदों के एसपी से बात करके एक सम्मिलित रूप से कार्रवाइयाँ कर लें। जहाँ तक थाना लेवल की बात है तो गश्त मिलान का सिस्टम डेवलप किया जाना और उसको कड़ाई से लागू किया जाना जरूरी है। ठंड में हमारे सिपाही रात्रि गश्त करें और उसमें मौजूद रहें तो उसकी भी व्यवस्था हमारे जनपद स्तर से की जानी चाहिए। मैम, रात्रि गश्त की आपने बात की, रात होते ही चौकियां जो है बंद हो जाती है, उसका कारण ये है कि पुलिस के जो कर्मी हैं वो पेट्रोलिंग पे रहते हैं, ऐसे में क्या लगता है पुलिस कर्मियों की कमी है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कमी है और उसके लिए प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप से कार्रवाइयां अपनी डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी मेकिंग है उस स्तर पर हो रही है। हमारे अपने स्तर से जो किया जाना जरूरी है वो ये है कि यदि चौकी किसी दृष्टि में बंद होती भी हो तो उसमें हमने PRV व्हीकल्स जो हैं और जो थानों की सेकंड मोबाइल व्हीकल हैं उनके रूट चार्ट तैयार किए हैं, उनकी समीक्षा करके नए रूप सिरे से तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे जो कर लिए गए थे। और अब ये PRV व्हीकल्स के द्वारा जगह जगह पर स्टेशन होकर सुरक्षा की एक भावना जागृत की जाएगी। मैम, बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया जाता है, अपराधियों को समय मिल जाता है, उस बीच आज भी कई ऐसे बिस्तरे हरदोई में हैं, सैकड़ों हजारों जिनकी जांच पेंडिंग पड़ी है, किस तरह से देखते हैं, क्या वजह रहती है इसके पीछे? देखिए, सैकड़ों और हजारों नहीं है, लेकिन यस, ये हमारी एक अपनी जिसको आप कह सकते हैं कमी है। बिस्तरा टेस्टिंग के लिए और उसके लिए FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज को जाता है। हमारी तरफ से विगत वर्षों में विगत माह में नवंबर के माह में डायरेक्टर FSL के साथ भी बैठक की गई थी और अपनी रेंज के सभी जनपदों के लिए, ना केवल हरदोई बल्कि सभी जनपदों के लिए किया गया था। DO लेटर्स भी लिखे जा रहे हैं और अब उनके निष्पादन में कुछ तीव्र गति से निष्पादन हो रहे हैं और आशा करते हैं कि अगले एक माह में ये कुछ हम बैलेंस की स्थिति में आ जाए। मैम, चुनावों का दौर आ रहा है, कैसे देखती हैं? देखिए, इसके लिए हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स बढ़ाने हैं, गांव-गांव में अपनी आमद बढ़ानी है, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है, ग्राउंड लेवल पर अपने मैनुअल इंटेलिजेंस को मजबूत करना है और कई सारे मेजर्स अब बताए जा रहे थे, आज की भी बैठक में इसकी समीक्षा की जा रही है।
गांव में जाने, लोगों से जनसंपर्क करने, प्रिवेंटिव मेजर्स को करने से हम तीन तरफा कार्रवाइयों के जरिए एक ऐसा नेटवर्क विकसित करेंगे जिससे कि हम अराजक तत्वों पर नकेल कस पाए। थैंक यू मैम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.